This meeting is being recorded. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इनिंग एमएनडी इंडिया की आज के सत्र में। आज 16 सितंबर 2022 के सत्र में हम श्वेता मैम का बहुत आभारी है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला और हमारे लिए ये सेशन, ये चक्रा हीलिंग का सेशन करने के लिए हमारे लिए राजी हो गए। श्वेता मैम, आपका हाथ जोड़ के बहुत धन्यवाद मैम। नागेन जी, गुड इवनिंग, और मैं भी धन्यवाद करती हूँ आप सबको, और आपने मुझे फिर से आपके ग्रुप में बुलाया तो मेरी सौभाग्य की बात, आपके ग्रुप में आई मैं फिर से। और आपने चुना है आज का सब्जेक्ट, पिनाकिन जी चाहते थे कि मैं चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कराऊं आपके ग्रुप में, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। मैम, बिफोर स्टार्टिंग मैं मेरा वो डिस्क्लेमर प्रेजेंटेशन कर दूं। श्योर, थैंक यू मैम। हीलिंग एमएनडी इंडिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप ईमेल आईडी, दिए गए ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो। थैंक यू ऑल। आपसे अनुरोध है, प्लीज आप ये डिस्क नंबर पढ़ लीजिए क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो लॉन्च होने वाला है। नाकिन जी, स्क्रीन में सिर्फ ब्लैंक है। हाँ, ठीक है, अभी ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। हीलिंग एमएनडी इंडिया में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपको अगर हीलिंग एमएनडी इंडिया से जुड़ना है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी पे आप ईमेल भी भेज सकते हो। आपसे अनुरोध है, आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। थैंक यू। ये हिंदी में डिस्क्लेमर है यूट्यूब चैनल के लिए। आपसे अनुरोध है, आप ये पढ़ लीजिए। और ये मेरा फेवरेट है, ये नो एनिमल्स वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो, नो एलियंस एज वेल एज ह्यूमंस वर हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस वीडियो, कोई भी नो प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, प्लैनेट्स वर आल्सो हार्म्ड। थैंक यू ऑल, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं अभी श्वेता मैम से अनुरोध करता हूँ अपना सेशन शुरू करें और हमें ज्ञान बांटे। थैंक यू मैम। हाँ पिनाकिन जी, हमारे आज और भी ग्रुप के मेंबर्स जुड़े हैं, तो आज क्या आप अपने ग्रुप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, या जो एमएनडी पेशेंट है उनके बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे? जरूर मैम, मैं बताना चाहता हूँ। एमएनडी एक लाइलाज बीमारी, इसमें इसका फुल फॉर्म है मोटर न्यूरॉन डिजीज। ये बीमारी का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप खुश होंगे कि मैंने एमएनडी के साथ 5 साल और 8 महीना पूरा कर चुका हूँ। डॉक्टर लोग बोलते हैं एमएनडी में ये 2 से 5 साल आप जी सकते हैं, और मैंने ये ग्रुप शुरू किया। हमारे ग्रुप में 250 से भी ज्यादा मेंबर हैं। हम खुद को पेशेंट नहीं बोलते हैं,
हम खुद को वॉरियर बोलते हैं। तो हमारे ग्रुप का यही है कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिवनेस बांटते हैं, माइंड से रिलेटेड मेडिटेशन करते हैं। हमारा इतना सौभाग्य है कि श्वेता मैम ने पहले हमको प्लेसिबो और नोसिबो का मेडिटेशन करवाया था, और बाद में श्वेता मैम ने और एक मेडिटेशन करवाया था। तो आज हमारा तीसरा सत्र है श्वेता मैम के साथ। हम श्वेता मैम का ताली बजा के बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू पिनाकिन जी। जैसा कि पिनाकिन जी ने बताया कि ये एक ऐसा लाइलाज बीमारी कह लीजिए या जो भी MND माइंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और लेकिन ये एक कोई पेशेंट नहीं, ये वॉरियर हैं। ये ऐसे लोग जो और इन्होंने बताया कि जैसे कि अगर ऐसा कोई डिटेक्ट होता है, ऐसा पता चलता है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल 5 साल का डॉक्टर पहले ही कह देते हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने 5 साल से ऊपर हो चुका है। और सबसे बड़ी बहादुरी की बात, इनके लिए जितना भी इनको अप्रिसिएट करे वो कम है, इन्होंने ऐसा नहीं कि उस चीज को लेकर उदास होकर डिप्रेशन में होके और हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, ऐसा कभी उन्होंने ऐसा नहीं फील किया, बल्कि इन्होंने पूरे इंडिया में ऐसा अपना जो भी ग्रुप बनाया और ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा और अपना इन्हीं तरह के वॉरियर जो इतने जो बहादुर ऐसे लोग हैं जो इनके ग्रुप में जुड़े हैं, और ये लोग अपना एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और एक अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव बातें करते हैं, हिम्मत रखते हैं, एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, ऐसे ये ग्रुप चला रहे हैं। तो पिनाकिन जी ने इसका जो पहला स्टेप उठाया, और ये अपने इनका मैं नाम भूल रही हूँ, ये जो थे साइंटिस्ट, उनको भी ये डिजीज लगी थी, मैं उनका नाम स्टीफन हॉकिन, इनको ये चीज थी और वे भी काफी लड़े और काफी इस बीमारी को लेते हुए उन्होंने काफी उम्र तक अपनी सभी जो कर रहे थे वो साइंटिस्ट जो ग्रेटेस्ट वो भी रहे। तो इन्हों पिनाकिन जी को भी उनसे मोटिवेट मिलता है और वो कहे कि जैसे उन्होंने इतने इस बीमारी को लड़ा जीता वॉरियर की तरह, वैसे ही ये भी उसी तरह प्रकार से करेंगे और ये कर भी रहे हैं। तो बहुत अच्छा, इसीलिए हम सब की सौभाग्य की बात है कि हम सब आपके साथ जुड़े हैं और आप जैसे वीर बहादुर कह लीजिए, तो नहीं तो हमें कुछ एक सर्दी खांसी भी हो जाता है, एक बुखार भी हो जाता है, तो हम ऐसे हो जाते हैं कि क्या हो गया हमें, क्यों हो गया, कब ठीक होंगे। तो आप लोग इंस्पिरेशन हैं बहुत से लोगों की। तो पहली बार हाँ जैसे आपने बुलाया था हमारा प्लेसिबो नोसिबो हुआ था, फिर हमने होपोनोपोनो किया था, आज पिनाकिन जी ने खुद ही कहा कि आज चक्रा हीलिंग करते हैं। तो आपके ग्रुप के लोग अभी मैं देख रही हूँ वीडियो ऑफ है, तो आप चक्रा के बारे में कभी और पहले कुछ हुआ है या मेडिटेशन हुआ है क्या पिनाकिन जी? नहीं मैम, ये पहली बार हो रहा है। पहली बार हो रहा है, क्योंकि आज जो मैं मेडिटेशन करा रही हूँ, मैं आज वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेडिटेशन है, टाइम मेडिटेशन इतना अच्छा लगेगा कि आपको वैसा कोई समय का पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं कितने शॉर्ट में चक्रा के बारे में थोड़ा सा बता सकती हूँ। जस्ट मैं एक चक्रा का लोकेशन और उसका फंक्शन जितना शॉर्ट में हो सकता मैं बताते हुए मेडिटेशन में हम लोग उतरेंगे। और आज के मेडिटेशन में हम लोग अपने चक्रास के ब्लॉकेजेस, चाहे वो इस जन्म के हैं या किसी भी जन्म के हैं, अपने कार्मिक अकाउंट को हम रिलीज करेंगे कि किस कारण से हमारा कौन सा चक्रा ब्लॉक हो जाता है, और अगर वो इस कारण से ब्लॉक है तो हम जैसे एंजल्स को इनवाइट करते हैं और कहते हैं कि हमारे इस जन्म या किसी भी जन्म से इससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम है, तो वो सब वो एनर्जी रिलीज होए, वो कार्मिक अकाउंट रिलीज होए। तो ऐसा एक मेडिटेशन चलेगा, बस मेडिटेशन में हम अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर, एक एक्सेप्टेंस
कि हाँ एक ट्रस्ट के साथ कि हाँ जो भी हम कह रहे हैं जो हो रहा है वो काम हो रहा है, एनर्जी अपना काम कर रही है। ऐसे भी एनर्जी सब कुछ हर चीज एनर्जी से चल रही है, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा दुनिया, ये पूरे हम जो बोलते हैं, जो देखते हैं, जो खाते हैं, जो पचाते हैं, सब कुछ एनर्जी से ही हो रहा है। और जैसे कि हम अपने मोबाइल में भी चार्ज करते हैं, अपने उसमें लग लगाते हैं, डिस्चार्ज हो गया तो उसे एनर्जी वो चार्ज हो रहा है और फिर दिन भर काम कर रहा है। वैसे ही हम भी एनर्जी हर वक्त, हम जब सोते हैं, खाते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, इन सब चीजों से हमें एनर्जी मिलती है। तो हर कुछ एनर्जी, तो वो ही एनर्जी जो कि दिख नहीं रही है पर है, उसी एनर्जी से हम अपने चक्रा को क्लीन करेंगे, अपने कार्मिक अकाउंट को क्लीन करेंगे। तो जस्ट मैं चक्रा क्या है, जितना होने को बहुत लेंथी टॉपिक है लेकिन हम जितना शॉर्ट में कुछ थोड़ा सा समझ सके, जितना मैं शॉर्ट में समझा सकूं कोशिश करके आज मैं वो करती हूँ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं चक्रा, चक्रा माने चक्र, व्हील्स, तो ये है व्हील्स ऑफ लाइफ, ये हमारे जो जीवन को चला रही है, जो हमारे शरीर को चला रही है, तो ये है वो चक्र। और ये सभी को, सभी इंसान के, सभी हमारे एनर्जी बॉडी में होती है, सबको एक समान मिली हुई है। जैसे वो ताकत होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा सबको एक समान, तो वैसे ही तो ये हमारे बहुत सारे चक्रा होते हैं, 114, लेकिन ये मेजर 7 चक्रास है जो कि अगर इसका बैलेंस होना जरूरी है और यही हमारे जीवन को, हमारे शरीर को चला रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये चक्र हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं है, हमारे एनर्जी बॉडी में है, लेकिन हमारा एनर्जी बॉडी भी उतना ही पास में होता है, तो हम अपने इसको बॉडी के लेवल पे ही समझते हैं। और जैसे कि बॉडी ऑर्गन्स हमारे हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, तो वो एक, आप कभी कोई सर्जरी होता है या डॉक्टर चीट फाड़ करे या कोई एक्सरे होता है या सोनोग्राफी होता है तो उसमें हमें दिखता है, तो वैसे ये दिखता नहीं है क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं है, ये हमारे एनर्जी बॉडी में है। अब हम क्या देख रहे हैं इसको, ये 7 चक्रास में नीचे से शुरू करेंगे हम, क्योंकि नीचे हमारी शक्ति ऊर्जा नीचे सोई हुई रहती है। और जितना हम मेडिटेशन करते हैं, जितना हम गुड कर्मा करते हैं, जितने अच्छे थॉट्स, विचार, कर्म सब रखते हैं, वो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ती है, ऊपर तक जाना जरूरी है। अभी जैसे हम देख रहे हैं सबसे नीचे रूट चक्रा है, इसका इंग्लिश और हिंदी नेम है रूट चक्रा, हिंदी में मूलाधार। तो ये कहाँ है, सबसे नीचे हमारे बैठने के स्थान में, टेल बोन जो कहते हैं, पीछे स्पाइन से नीचे आती हुई सबसे नीचे वाले जगह पे इसका लोकेशन है और ये लाल रंग का होता है, तो मूलाधार चक्रा है। और तो अगर इस चक्रा में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इससे रिलेटेड इसका एक तत्व होता है हर चक्रा के, जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसी तरह इसका एक तत्व है धरती। तो धरती हमारे शरीर में जो हमें धारण करके रखा है, हर वो तत्व हमारे शरीर के अंदर भी है, वही तत्व, पांचों तत्व से पूरी सृष्टि बनी है। हमारे शरीर के अंदर धरती तत्व क्या है, जो हमारे बोन्स है, मसल्स है, जो हमें धारण किए हुए, जिससे हमें, हम खड़े होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, वो ही सब। तो वो हमारे बोन्स एंड मसल्स अगर ये वीक होता है तो हमारा शरीर झुक जाता है, हम ठीक से चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। तो ये धरती तत्व है और इसका मूलाधार, जो नाम हिंदी में मूल आधार, इसे क्या कहते हैं, मूल आधार है हमारा रूट चक्रा। माने जैसे एक पेड़ की जड़ें, जड़ मजबूत होती है तो पेड़ भी स्ट्रांग होता है, फिट होता है, अच्छे से फल फूल देता है, उसी तरीके से हमारा ये रूट चक्रा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है और हमें फिट करके रखता है। तो अगर ये चक्रा में ब्लॉक है तो हमारे बोन मसल्स में प्रॉब्लम होता है, बैठने में प्रॉब्लम होता है, शरीर में दर्द रहता है, और साथ ही साथ इसका फिजिकल के साथ साथ हमारे लाइफ में भी पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसका हर चक्रा का एक एक नेचर भी है, तो इसका नेचर है सर्वाइवल, जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए होता है। अगर ये चक्रा स्ट्रांग नहीं होता है तो हम जीने, सर्वाइवल को लेके प्रॉब्लम होता है, पैसे को लेके प्रॉब्लम होता है, घर को लेके प्रॉब्लम होता है, ठीक से खाने पीने को लेकर प्रॉब्लम होता है। तो समझ गए ना, तो हर चीज हम क्या समझ रहे हैं, हमारे बॉडी के लोकेशन से भी, हमारे लाइफ से रिलेटेड और हमारे नेचर से रिलेटेड, एक एक चक्रा का एक एक नेचर है। तो इस चक्रा का नेचर है सर्वाइवल।
फिर इससे ऊपर हम आते हैं, इसका धरती तत्व था, सेकंड है सैक्रल और सेक्स चक्र इसे कहते हैं, ये नाभि से 2 इंच नीचे होता है और इसका हिंदी में नाम है स्वादिष्ठान, इसका कलर है ऑरेंज और ये हमारे देख रहे नाभ, इसका जल तत्व है तो नाभि के 2 इंच नीचे, और जल हमारे शरीर में 70% जल होता है, 70% वाटर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट हमारे शरीर में इमोशंस का भी काम करती है, भावनाएं डिजायर इच्छाएं, तो यहाँ पर अगर ये चक्रा इम्बैलेंस है, कभी कोई चक्रा बहुत एक्टिवेट हो जाता है, कोई अंडर एक्टिवेट होता है, तो इसलिए बैलेंस होना जरूरी है, तो यहाँ पर हमारे इमोशंस बहुत डिमांडिंग, बहुत ज्यादा इच्छाएं खाने पीने को लेके, घूमने को लेकर, सेक्स को लेकर, तो ज्यादा होने से ज्यादा एक्टिव होने से ये ज्यादा रहता है, कम होने से हमको किसी भी चीज में रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है जीने की, ऐसी कोई चाहत नहीं है, तो यानी बैलेंस होना जरूरी है। और जल से रिलेटेड तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन है, यहाँ पे नाभि के पास हमारे किडनीज हैं, यूरिनल ब्लैडर है, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड प्रॉब्लम होने से स्किन का प्रॉब्लम आता है, तो ये सब प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पर हमें इस चक्रा को ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पर इस चक्रा पे काम करना पड़ेगा। फिर इससे ऊपर आते हैं हम, यहाँ पर है हमारे रिब केज के नीचे, पेट नाभि से 2.5-3 इंच ऊपर रहता है सोलर प्लेक्सस, हिंदी में मणिपुरा चक्र कहते हैं, इसका रंग है पीला और इसका तत्व है अग्नि। तो हमारे पेट में अग्नि तत्व क्या है, डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि जो पाचन का काम करती है, तो अगर ये सही नहीं है तो हमारे पेट में स्टमक डाइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो और यहाँ पर तो यहाँ और क्या है, वही डाइजेशन, तो इंटेस्टाइन है हमारा, लीवर है, या कुछ पेट से सारे इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। और इसका नेचर क्या है, पावर, जैसे पहला था सर्वाइवल, सेकंड था सेक्स और डिजायर को लेके, तीसरा है पावर, तो कॉन्फिडेंस लेवल, अगर ये चक्रा सही रहता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है, जैसे पिनाकिन जी का कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम इस चीज से मैं लड़के जीऊंगा और भी लोगों को इसमें जोड़ूंगा, तो ये उनका कॉन्फिडेंस है, तो ये और अपने इमोशंस को उनको बैलेंस करना आता है, तो ये चक्रा अगर स्ट्रांग है तो हमें इस तरीके से हर जो भी काम करें हमें इससे कॉन्फिडेंस, और अगर ये चक्रा ब्लॉक रहता है तो लो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, और यही और ऑर्गन तो है ही पेट से रिलेटेड, तो हम देख रहे हैं ना कि चक्रा कितना इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल बॉडी के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारा जो नेचर है जो हमें चला रहा है सब कुछ। और इससे तो फिर इससे ऊपर हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ चक्रा, 7 चक्रास हैं, तो ये मिडल का चक्रा है, हार्ट चक्रा, हार्ट चक्रा इसे हिंदी में अनाहत चक्रा, इसका रंग है हरा और ये दिल के पास है, हालांकि सारे चक्रास एक सीध में होते हैं अलाइनमेंट में, तो ये दिल के पास में हार्ट चक्रा, अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, हार्ट से रिलेटेड जितने भी वो, और साथ ही साथ नेचर में क्या होता है, लव, इसका नेचर है लव, तो हम कभी ये चक्रा ब्लॉक होता है तो लोग किसी से प्रेम नहीं कर पाते, या दूसरों में कंप्लेन या शिकायतें ढूंढते हैं, या कभी कोई इंसिडेंट हो गया तो उसी को लेकर मन में बोझ बना के बैठे रहते हैं, ये वैसे वर्षा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये चक्रा ब्लॉक है, और ये चक्रा ब्लॉक है तो आपका नेचर ऐसा होगा कि ना किसी से प्रेम, शिकायतें और जजमेंट, और एक नेचर होता है कंजूस, बहुत कंजूस होते हैं, गिविंग नेचर नहीं होता, किसी को दे नहीं पाते कुछ भी, तो ये चक्रा ब्लॉक होने से लोग रुपए पैसे तो छोड़ो, किसी को एप्रिशिएशन भी नहीं दे सकते, तारीफ नहीं कर सकते, किसी जालसी होता है, तो इसीलिए ये चक्रा ब्लॉक रहता है इन सब कारणों से, या फिर हमारा ऐसा नेचर है तो ये चक्रा काम नहीं करता ठीक से, तो इसीलिए सभी के लिए निस्वार्थ प्रेम, सबको फॉरगिवनेस, सबको बातों को लेट गो, और जितना हम किसी को ब्लेस कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप किसी को ब्लेसिंग भी करते हैं तो आप दे रहे हैं, तो आपका ये हार्ट चक्रा एक्टिव हो रहा है। इससे ऊपर हम आएंगे थ्रोट चक्रा, गले के पास, गले के बीचों में, बीच में थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा इसे कहते हैं, इसका रंग नीला है, और ये इसका तत्व जो अनाहत चक्रा का तत्व था वो है वायु,
वायु जो हम सांसें लेते हैं, जो हमारे लंग्स, हार्ट के पास लंग्स हैं, जो कि फेफड़े हमारे सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाती है हमारे शरीर में, इसलिए इसका तत्व वायु। और इससे ऊपर इसका तत्व है आकाश, विशुद्धि चक्र। तो गले के पास है, अगर ये चक्र ब्लॉक है तो हम अपनी बातों को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, स्पीच में प्रॉब्लम होता है, या फिर झूठ बोलते हैं और हकलाते हैं, स्टैमरिंग करते हैं, ये सब चीजें रहती है प्रॉब्लम ब्लॉक होने से। और वही ये चक्र ठीक रहता है तो बिल्कुल अपनी बातों को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, सच बोलने में डरते नहीं हैं, तो ये सब चीजें हैं। और इससे प्रॉब्लम होता है तो गले से रिलेटेड थायराइड का प्रॉब्लम आ जाता है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम आ जाता है, गले में हर समय खिचखिच रहता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो थ्रोट चक्र भी इसका, और ये क्रिएटिव का है, तो ये क्या हुआ, इसका नेचर है स्पीच एंड क्रिएटिविटी। तो और इससे ऊपर हम आएंगे हमारा अजना चक्र, जो दोनों आईब्रोज के बीच, थर्ड आई चक्र जिसे हम कह रहे हैं, थर्ड आई चक्र, हिंदी में ऐसे अजना या आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसका रंग हम देख रहे हैं इंडिगो है, हल्का बैंगनी रंग, और ये थर्ड आई के बीच में। इसका नेचर क्या है, इंट्यूशन का, और सिक्स सेंस कह लीजिए, जब हमें कुछ भी होने वाला हो या आभास होता है, पता चलता है, या हमारे अंदर से इनर मैसेज आता रहता है हमें कि ये क्या सही है, ये क्या गलत, ये करे ना करे, तो इंट्यूशन लेवल हाई रहता है अच्छा होने से। और वीक होने से फिर आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, और फोकस नहीं रहते, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बहुत डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रहता है, तो ये सब चीजें हैं। और इससे ऊपर हम आएंगे हमारे सर के बीचों बीच और ऊपर में, और उससे बल्कि थोड़ा ऊपर ही होता है, जिसे क्राउन चक्रा कहते हैं, वॉयलेट कलर है इसका, और हिंदी में सहस्रारा या सहस्रार भी कहते हैं। और क्राउन, क्राउन मतलब मुकुट, जो मुकुट यहाँ लगाया जाता है, तो इसका जगह यहाँ पर है। और ये सबसे हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में है क्राउन, और इसका जो नेचर है वो है एनलाइटेंड, या फिर स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग रहना, जैसे कि बहुत साधु महात्मा गुरु, जो बहुत ध्यानी, जो एनलाइटेंड मास्टर है, उनका ये चक्र ओपन होता है, तो तब जाकर यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा यहाँ से ही आते हुए नीचे के सभी चक्रास में जाती है। और इस तरीके से हमें पूरे फुल पूरे चक्रा को, बॉडी को एनर्जी पहुंचाती है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी चक्रास इम्पोर्टेंट है, सभी एक दूसरे के पास, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। बेसिकली होता क्या है, बहुत जन्म हमारे निकल जाते हैं इन तीनों नीचे के चक्रा में ही, सर्वाइवल के लिए, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए, अपने पावर, नेम, फेम, मनी, और अपने पावर को जताने के लिए, इन तीनों में ही बहुत सारे जन्म निकल जाते हैं। लेकिन हम इससे ऊपर आते हैं जब हम अपने दिल में सबके लिए अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम देते हैं, गिविंग नेचर होता है, यहाँ तक आने के बाद तब हम ऊपर पहुंच पाते हैं। और वो एनर्जी का फ्लो हमारे रोज का अप डाउन होता रहता है, जहां हमने इच्छा अपने आप को बहुत मायूसी में ले आए, हम तो किसी लायक नहीं है, हमें तो मर ही जाना चाहिए, तो सारी ऊर्जा नीचे आ गई, सब कुछ नीचे, बहुत एनर्जी लो हो जाती है, नेगेटिविटी में रहते हैं। फिर यहाँ पे सिर्फ इच्छाओं का अंत ही नहीं है, तो यहीं पर इच्छा रह जाती है एनर्जी, और सिर्फ अपने नेम फेम मनी पावर में लगे पड़े हैं, और खाने पीने का शौक है, या फिर हम कैसे किसी को अपने पावर से दबा दे, तो यहीं पर एनर्जी इकट्ठा रह जाती है, फिर धीरे धीरे ऐसे हमें ऊपर। तो चक्र हम समझ रहे हैं, और इसके साथ सात रंग, या जो इंद्रधनुष के सात रंग होते हैं, वे है सातों रंग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इस तरीके से इसके मंत्र भी होते हैं, लम, नीचे से लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम। तो जब ही कैसे इस चक्र को हम एक्टिवेट करें, तो उसका यही होता है कि हम उसके जो बीज मंत्र दिया गया है, लम है तो लम को हम चैंट करते हैं 11 times, 7 times, और अगर चैंटिंग में भी नहीं लगता है कि नहीं हम चैंट नहीं कर रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड होता है कि रेड कपड़े पहनते हैं मोस्टली, या लाल रंग का ही फूड खाते हैं, इसके बहुत सारे चीजें, लेकिन हम यहाँ पे जो मेडिटेशन करेंगे वो भी बहुत हद तक हेल्प करता है हमें हमारे किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस, एनर्जी और नेगेटिविटी को हटाने में, और हमें ऊर्जा से भरने के लिए। तो
और ये हम क्या समझ रहे हैं, ये चक्रा जरूरी नहीं कि इसी जन्म के ब्लॉकेजेस हैं, हमने कितने जन्म कितने रीइंकार्नेशन हम ले चुके होंगे, कब कौन से जन्म में क्या क्या किए होंगे, हमने कभी अपने सर्वाइवल को लेकर के कभी कुछ गलत किया होगा या दूसरों के का रोटी कपड़ा मकान छीना होगा तो ये चक्रा ब्लॉक होगा, तो हमने अपने या इससे ऊपर हमने अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए कभी कुछ गलत काम किया हो तो हमारे ये चक्रा ब्लॉक है। अपनी वाणी से हम किसी को हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, ताना मारते हैं, गाली बकते हैं तो हमारा ये चक्रा ब्लॉक होगा। तो इस तरीके से कभी ना कभी, लेकिन हम उसे रियलाइज करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम हीलिंग करते हैं तो हमारे वो सब धीरे धीरे वो सब हील भी होता है और हम अपने फिर वापस अपने देखते हैं कि हमारा कुछ प्रॉब्लम था फिजिकल बॉडी को लेकर के लाइफ को रिलेटेड, तो वो सब भी क्योर होते रहते हैं अपने आप खुद ब खुद, क्योंकि आपको खुद ये नहीं पता चलेगा कि मेरा कौन सा चक्रा कितना ब्लॉक हो गया और कितना हील हो गया, लेकिन आप ये जरूर समझ पाएंगे कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है या इससे रिलेटेड, यानी ये चक्रा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर मान लीजिए हार्ट चक्रा है तो फिर इसका जैसे लम वम रम यम यम उच्चारण है तो हम यम का चैंटिंग करते हैं दिन भर में 11 टाइम्स किया और ग्रीन कलर को इमेजिन किया, तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक चक्र पे काम कर सकते हैं। तो आज की मेडिटेशन में हम सातों चक्र पे हीलिंग करेंगे और पास्ट कर्मास को भी हम बैलेंस करेंगे, अपने कार्मिक अकाउंट को भी। तो वो कैसे करेंगे, हम इन्वोकेशन करेंगे चक्रास के मास्टर्स, क्योंकि हर चक्र के अलग अलग देवी देवता हैं। तो हम अभी जितना हमारा समय है उससे रिलेटेड मैं एक साथ ही कि हमने इनवाइट किया सभी 7 चक्रास के मास्टर्स गॉड एंड गॉडेस हमारे साथ हमारे मेडिटेशन में बने रहें, और हम चैंटिंग आज नहीं करेंगे क्योंकि मैं गाइड करूंगी वैसा वैसा हम फील करेंगे सभी, और उस तरीके से हम अपने आज हीलिंग मेडिटेशन करते हैं। बस एक मन में ट्रस्ट रखें, एक विश्वास रखें कि हाँ आज काम हो रहा है, आज हम हीलिंग एनर्जी आकर हमें हील कर रही है, हमें ना भले कुछ दिख रहा है ना भले कुछ हमें पता चल रहा है लेकिन काम खुद ब खुद हो रहा है, एनर्जी को पता है कहाँ पर जाना है क्या करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज रेडी हो जाएं आज के मेडिटेशन के लिए, और मेडिटेशन के बाद फिर किसी का भी कुछ सवाल जवाब रहा वो हम लेंगे, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे वो करेंगे। तो ठीक है ना पिनाकिन जी, हम शुरू करते हैं आज का ध्यान। तो जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतारते हैं, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएंगे, आपको जैसे जो कंफर्ट पोज लगे बैठ जाइए। अगर आज के मेडिटेशन में आप हाथ खुले रखना चाहें खुले रख सकते हैं, पैर खुले रखना चाहें रुक सकते हैं, और जिनको क्रॉस करना चाहें वो कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पूरे मेडिटेशन में एक आंखें बंद रखेंगे, एक सरेंडर भाव, एक अपने आप को अलाउ, अपने आप को परमिशन देंगे कि यस आई एम रेडी टू हील ऑल माय चक्रास टू, है ना, तो इस तरीके से टू बैलेंस माय एनर्जी। तो अपने तैयार हो जाएं आज के मेडिटेशन, सुखासन में बैठ जाएं आरामदायक अवस्था में, आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे, एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाएं, इस पल में आ जाएं। पूरी तरह से अपने माइंड को रिलैक्स होने दें, चेहरे पर शरीर में कहीं भी कोई तनाव खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे ढीला छोड़ दें, पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। आज हम अपने चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करने जा रहे हैं, हम तैयार हैं
खुद को हील करने के लिए, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए हम तैयार हैं किसी भी तरह की ब्लॉक्ड एनर्जी इस जन्म या किसी भी जन्म की है उन सब को रिलीज करने के लिए। आज के इस ध्यान विधि में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों, हमारे स्पिरिट गाइड, गार्डियन एंजल्स, होली एंजल्स, हीलिंग एंजल्स, सेवन चक्रास के मास्टर्स को, एंजल्स को, गॉड एंड गॉडेस को, हमारी आत्मा, पुण्यात्मा, सर्वात्मा को, कर्म देवता को, न्याय देवता को हम प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते हैं कि वे सब हमारे आज के ध्यान विधि में हमारे साथ बने रहें, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दें। हमारे चक्रा में किसी भी तरह की ब्लॉक्ड एनर्जी है तो उसे बाहर निकाल खत्म करें। कर्म देवता से हम निवेदन करते हैं कि हमारे इस जन्म या किसी भी जन्म के जो भी कार्मिक अकाउंट है जिसके कारण चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं, उन सब को रिलीज करें। हम अलाउ करते हैं, सभी मास्टर्स को परमिशन देते हैं कि हमारी किसी भी तरह की निगेटिविटी को बाहर निकाल खत्म करें और हमें अपनी डिवाइन एनर्जी, हीलिंग एनर्जी से भर दें। हमारी आत्मा द्वारा हमें सही ज्ञान मिले कि हम फिर से ऐसी कोई गलती ना कर अपने चक्रा को ब्लॉक ना करें आगे। हम धन्यवाद करते हैं पूरे विश्वास के साथ। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांसों को सामान्य बनाए रखें। महसूस करें हीलिंग एंजल्स और मास्टर्स हमारे साथ हैं और हमारे सर के ऊपर से भ्रमरन से डिवाइन हीलिंग एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से उतरकर हमारे सर के माध्यम हमारे शरीर में आ रही है, भर रही है सफेद दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में, चेहरे पे, मस्तिष्क में, गले में उतरती जा रही है, दोनों कंधों में, हाथों में, चेस्ट में, पूरे पेट में, पूरी पीठ में, कमर पर, जेनिटल एरिया, थाइस, नीज, घुटनों पर, काफ मसल्स पर, पैरों के तलवे तक जा रही है सफेद दिव्य प्रकाश। और ये ऊर्जा हमारे पैरों के तलवे से नीचे की तरफ, धरती की तरफ फैल रही है, धरती के अंदर जा रही है। धरती से भी और भी ऊर्जा को इकट्ठा कर और पावरफुल बनकर वापस आ रही है एक बॉल के रूप में, एक गोल्डन डिवाइन बॉल के रूप में, छोटे से एनर्जी बॉल के रूप में हमारे पैरों के तलवे से वापस ऊपर की तरफ प्रवेश करते हुए हमारे रूट चक्रा में भर रही है। सबसे नीचे वाले चक्र में जिसका रंग लाल है और गोल्डन डिवाइन बॉल रूट चक्रा में भरकर
क्लॉकवाइज घूम रही है। लाल रंग की से मिलकर रूट चक्रा को और भी चमकदार बना रही है और किसी भी तरह की उसमें जो ब्लॉक्ड एनर्जी है उसको बाहर हटाती जा रही है। किसी भी निगेटिव कर्मा की वजह से अगर ये चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं तो हम कर्म देवता के आशीर्वादों के माध्यम, ऊर्जा के माध्यम आज हम उन सब निगेटिव एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी को बाहर कर रहे हैं। वो सारे ब्लॉक्ड एनर्जी हट रहे हैं और हमारा ये मूलाधार चक्र बड़ा हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, गोल गोल क्लॉकवाइज घूम रहा है। लाल रंग को इमेजिन करें, साथ ही साथ कुछ अफर्मेशन मन में दोहराएं मूलाधार चक्र से रिलेटेड। कहें कि मैं सुरक्षित हूं, मेरा परिवार सुरक्षित और महफूज है, मेरे पास जरूरत की सारी चीजें हैं, अपने आप को लाल रंग के वस्त्र में देखें, लाल रंग के फूलों के बीच बैठे हुए रूट चक्र हील हो रहा है, हील हो चुका है। और अब फिर से अपना ध्यान अपने रूट चक्र पे लाएं और देखें उस गोल्डन हीलिंग बॉल को और ऊपर उठते हुए अपने स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश करते हुए नाभि से 2 इंच नीचे स्वाधिष्ठान चक्र में जिसका रंग है ऑरेंज। गोल्डन डिवाइन हीलिंग बॉल उसमें भर रही है, क्लॉकवाइज घूमता हुआ अपने स्वाधिष्ठान चक्र को इमेजिन करें, ऑरेंज कलर को इमेजिन करें। कभी भी
किसी जन्म में अपनी या दूसरों की इच्छाओं को दबाया हो, या फिर अपनी किसी इच्छा या डिजायर को पूरा करने के लिए गलत काम किया हो, किसी का नुकसान पहुंचाया हो, जिसकी वजह से अगर मेरे स्वाधिष्ठान चक्र में कोई भी ब्लॉकेजेस है, तो आज वो हीलिंग एनर्जी से भर कर हर नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी को बाहर कर रही है, सब रिलीज हो रहे हैं। हमारा स्वाधिष्ठान चक्र एक्टिव हो रहा है, बड़ा हो रहा है, दिव्य ऊर्जा से भर रहा है, बैलेंस है। फिर से अपने आप को देखें ऑरेंज कलर के कपड़े में, ऑरेंज रंग के गेंदे के फूलों के बगीचे में बैठे हुए, देखें कितने सुंदर लग रहे।
रिलेटेड कुछ अफर्मेशन दोहराएंगे। मैं अपने जीवन में सही निर्णय ले सकती हूँ। मेरे फैसले सही और सकारात्मक हैं। मैं खुद का सम्मान करती हूँ, दूसरों का सम्मान करती हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है। मुझ में अपने उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति है। अपने आप को देखें पीले रंग के वस्त्र में, पीले रंग के सूरजमुखी के फूलों के बगीचे में बैठे हुए। हमारा मणिपुरा चक्र भी उस खिले हुए फूल की तरह मुस्कुरा रहा है, खिला हुआ है। इस ऊर्जा को, एनर्जी के वाइब्रेशन को फील करें। और अब फिर से अपना ध्यान मणिपुरा चक्र में उस गोल्डन हीलिंग एनर्जी बॉल को देखें ऊपर की ओर उठते हुए। हमारे चौथे चक्र में प्रवेश कर रहा है अनाहत चक्र, दिल के पास हार्ट चक्र में। हरे रंग का अनाहत चक्र उस गोल्डन हीलिंग बॉल की एनर्जी से भरते हुए अपनी बातों को कहने में सक्षम हूं। मेरी वाणी मधुर है। मैं जो बोलती हूँ लोग उसे सुनना पसंद करते हैं। मेरे गले में मां सरस्वती का वास है। मेरी वाणी महत्वपूर्ण है। अपने आप को खुश आनंदित महसूस करें, आजाद महसूस करें। अपना ध्यान फिर से अपने गले के पास विशुद्धि चक्र में लेकर आए। देखें गोल्डन डिवाइन हीलिंग बॉल ऊपर की तरफ उठ रही है और हमारे थर्ड आई चक्र अजना चक्र में प्रवेश कर रही है। दोनों आईब्रोज के बीच इंडिगो कलर गोल्डन एनर्जी से मिलकर क्लॉकवाइज घूम रहा है। अपने माथे के बीच, फॉरहेड के बीच उस रोटेशन को महसूस करें। देखें कहें कि मेरे आज्ञा चक्र में किसी भी अंधविश्वास, किसी इल्यूजन, भ्रम, नकारात्मक सोचने, देखने के कारण कोई भी ब्लॉक एनर्जी है वो सब आज रिलीज हो जाए। इस जन्म या किसी भी जन्म में मैंने अगर अपने माता पिता का, गुरु का अपमान किया हो, दुख दिया हो, उसके कारण कोई भी ब्लॉक्ड एनर्जी है तो वो सब रिलीज हो जाए। मैंने खुद को लिमिटेशन में कभी रखा हो, बंधनों में बांध कर या दूसरों को लिमिटेड करके रखा हो, उन सब के लिए मुझे क्षमा मिले और मेरे किसी भी निगेटिव एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी को बाहर कर रिलीज करे। मेरा आज्ञा चक्र आज क्लीन हो रहा है, हील हो रहा है।
दोनों आईब्रोज के बीच सूक्ष्म बिंदु को। गोल्डन डिवाइन हीलिंग बॉल ऊपर की तरफ उठ रही है और सहस्त्रार चक्रा हमारे सेवन चक्रा में प्रवेश कर रही है। सर के बीचों बीच वॉयलेट कलर का क्राउन चक्रा सहस्त्रार चक्रा में ये गोल्डन डिवाइन हीलिंग बॉल मिक्स होकर अपनी ऊर्जा से उसे भर रहा है। किसी भी तरह की ब्लॉक्ड एनर्जी है तो वो आज हट रहे हैं। कहें कि इस जन्म या किसी भी जन्म में अपनी आत्मा की यात्रा में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हों, अंधविश्वास, नकारात्मक सोचना और देखना, बोलना, उसकी वजह से कोई भी एनर्जी ब्लॉक्ड है मेरे अगर सहस्त्रार चक्र में, तो वो सब आज रिलीज हो जाए। कभी मैंने किसी दूसरे की आत्मा की यात्रा में उसके सोल के ग्रोथ में बाधा डाला हो, मेडिटेशन को, ध्यान को गलत बताया हो,
का सही मकसद मिले और अब अपने आप को ऊर्जा के रूप में देखें।
धीरे धीरे अपने आभा मंडल को अपनी ऊर्जा को समेटते हुए दिव्य आशीर्वादों से भरते हुए ब्रह्मांडी परमात्मा की ऊर्जा से भरते हुए वापसी में लौटेंगे। से अपने आप को देखें पृथ्वी पर वापस धीरे धीरे लौटते हुए अपने घर अपने शरीर अपने प्रेजेंट प्लेस में देखें। देखें इस एनर्जी के वाइब्रेशन को अपने भीतर बाहर चारों ओर महसूस कर पा रहे हैं, जैसे खुद ही एक नए से बन गए, एक अलग ही चमक, एक अलग ही फीलिंग, ऊर्जा, एनर्जी। मन ही मन धन्यवाद भाव, हमने जिनको भी आवाहन किया था, जो भी मास्टर्स एंजल्स हमारे साथ ध्यान विधि में बने हुए थे, सभी चक्रास के मास्टर्स एंजल्स गॉड गॉडेस दिव्य देवदूत आध्यात्मिक सहायक आध्यात्मिक गुरु होली गुरुज हीलिंग एंजल्स कर्म देवता न्याय देवता हमारी आत्मा पुण्यात्मा सर्वात्मा हमारे स्पिरिट गाइड ऑल द इनविजिबल मास्टर्स एंड एंजल्स एंड ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें अपने डिवाइन हीलिंग एनर्जी से भरने के लिए, हमारे पास नेगेटिव कार्मिक अकाउंट को रिलीज करने के लिए हम पूरे विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर योर डिवाइन लाइट लव एंड पावर, थैंक यू फॉर योर हीलिंग एनर्जी, थैंक यू फॉर बैलेंसिंग ऑल आर चक्रास, थैंक यू फॉर न्यूट्रलाइजिंग आर पास्ट कर्मास, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी को जाने की अनुमति देते हैं। अब कहें हम प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं, हम अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। कहें आई एम ग्राउंडेड रूटेड एंड कनेक्टेड टू मदर अर्थ, आई एम ग्राउंडेड rooted and connected to mother earth, I am grounded rooted and connected to mother earth, thank you mother earth, thank you universe, ek gehri lambi saans andar le, gehri lambi saans bahar chhodte hue is pal mein aa jaye, अपने दोनों हाथों को खोलते हुए आपस में मलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 अपने हाथों को हटाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ, मन में कृतज्ञता भाव धन्यवाद भाव आज की एनर्जी के लिए, ग्रुप एनर्जी के लिए, मेडिटेशन के लिए, आज के दिन के लिए, अपने लिए जोरदार ताली। आप सब ने इतना अच्छे से सबने ध्यान किया, 100% आपने अपने आप को दिया, वाह, थैंक यू एवरीवन। एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे दे रही हूँ सबको।
फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा था गया। थैंक यू श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू मैम, लव यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू, हो गए हल्के, हो गए आज, बहुत अच्छा लगा, यस बहुत अच्छा लगा, मैं कुछ नया नहीं बनाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और पिनाकी सर को भी जिन्होंने इस ग्रुप को जोड़ा है और जिन्होंने सबको एक होने का किया, जिन्होंने इतनी अच्छी एनर्जी दी है सबको आपके द्वारा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और पिनाकी जी, पिनाकी जी के लिए हम सब क्लैप करेंगे, बिल्कुल क्लैपिंग, ग्रुप के लिए क्लैप करेंगे, हाँ हाँ सबके लिए क्लैपिंग, तो अभी एक बार म्यूट ऑल कर रही हूँ, कोई हैंड रेज, पिनाकी जी अब आप ओवर टू यू नाउ, और कोई कुछ कहना चाहेंगे तो अपना हैंड रेज करें। हैंड रेज लेना है पिनाकी जी? मैम नवीन जी बोलिए, नवीन जी। नमस्ते सर, नवीन सर, थैंक यू सर, मैम आज का मेडिटेशन तो इतना अच्छा था और जो टॉपिक था आपको सेम चक्रा के बारे में, तो मैं पहले सोच रहा था कि इतना कठिन टॉपिक कैसे समझ में आएगा, लेकिन जो आपने तरीके से समझाया मैम अच्छे से, तो बिल्कुल एक एक चीज को बहुत अच्छा लगा मैम। जैसे आपने कहा ना बीच में मेडिटेशन में अपने जो भी है गुरु को याद कीजिए, तो आप दिखाई दे रहे थे। अच्छा। और हाँ जी, और जो आपने बताया ना कि जो सेवन चक्कर है उनको एक साथ देखो लाइन में, तो वो दिखाई दिए मैम, तो उनकी एनर्जी एकदम बहुत ज्यादा फील हो रही थी, बहुत अच्छा लगा मैम, आज का मेडिटेशन तो सुपर था मैम, बहुत ही अच्छा मैम, और पिनाकी जी को भी थैंक यू जो उन्होंने ग्रुप इतना बना रखा है, मुझे लगा कल ही आप लोगों ने अगर किया है, पता नहीं आज वापस, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अटेंड किया पूरे मन से, तो अच्छा आप लोगों की भी नहीं किया था मैम। अच्छा अच्छा, आपका लाइव नहीं हुआ था, ठीक ठीक, थैंक यू। चलो मनीष जी बोलिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था, बल्कि मैंने लेट ज्वाइन किया और जितनी देर भी मैंने किया उतनी देर मेरा शरीर झूम रहा था, आगे पीछे की तरफ हो रहा था, बहुत अच्छा आनंद आ रहा था, और मेरे को नहीं पता मैं कहाँ था कहाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट मनीष जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आशीष जी बोलना चाहेंगे? जो आपका उद्देश्य था देने का शायद मैं वो ले पाया, और मैं जैसे कल श्वेता मैम को कह रहा था कि मेरी बहुत ज्यादा जिज्ञासा है और ज्यादा करने की चक्राई लिख में, और आज भी काफी हद तक नयापन लगा मेरे को, और मैंने शायद एक घंटे का मेडिटेशन फर्स्ट टाइम किया अपने लाइफ में, और मेरे को कहीं भी टाइम का आभास नहीं हुआ, अगर वो मैडम इसको खींच के एक आध घंटा और आगे ले जाती तो शायद मैं वो भी कर पाता, पता नहीं क्यों आज इतना इंटरेस्ट और पूरा ध्यान बनों पे किया गया, तो ये अपने आप में मेरे लिए उपलब्धि है, और इसके आगे जानना, और मैडम मैडम ऐसा लगता है कि मैडम अब पीछा नहीं छोड़ना और इससे आगे जानना है, बिल्कुल जानेंगे। थैंक यू आशीष जी फॉर शेयरिंग, थैंक यू थैंक यू। हेम प्रभा जी नमस्कार मैम, नमस्कार मैम, कल का मैं नहीं कर पाई थी, अच्छा पूजा थी तो इसलिए मैं नहीं बैठ पाई, तो आज मैंने किया मैम, इतना डीप था और मेरे को ऐसा पसीना आने लगा जैसे कि मेरे सिर से पसीने की वो निकल रही है धार, और इतनी गर्मी सी महसूस हो रही थी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत
थैंक यू हेमप्रभा जी. अच्छा वो अपना काम हो रहा था, रिलीजिंग प्रोसेस चल रहा था, एनर्जी का वो अपना काम कर रही थी. बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू. आज बहुत दिन में हुआ मैम ये. बहुत सॉरी, बहुत टाइम में, बीच में तो रेगुलर कर रहे थे ना हम. हाँ 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 हेमप्रभा जी, पिनाकिन जी, थैंक यू हेमप्रभा जी. और आपके ग्रुप के कोई कुछ बोलना चाहेंगे? किसी का वीडियो भी शायद ऑन नहीं है. स्नेहल मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप अनम्यूट कीजिए. हाँ वापस म्यूट हो गए वो. म्यूट हो गए मैम. हाँ हाँ सर, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा सेशन था. कल का मैं नहीं अटेंड कर पाई, आज का मैंने अटेंड किया है. बहुत अच्छा लगा. ओके आज भी मैं देर हो गई मुझे आने में, लेकिन किया मैंने, शुरू किया तब से. बहुत अच्छा फील हुआ मुझे. मैंने अभी 21 दिन का अनुष्ठान भी पूरा किया. वाह, दो तीन दिन ही कंप्लीट होके हुए, फिर मेरे को पीरियड्स का प्रॉब्लम था, इस वजह भी मैंने स्टॉप किया. वो फिर से कंटिन्यू करूंगी मैं अभी. एक मिनट स्नेहल जी, आप मेडिटेशन की बात कर रही हैं ना, 21 डेज का? हाँ मैडम. हाँ आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेडिटेशन कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, उससे ब्रेक मत करिएगा. नहीं नहीं मैं ब्रेक नहीं कर रही हूँ, वही मैंने शेयर किया था सर से. मैंने अभी अनुष्ठान शुरू किया, अब मैंने हीलिंग शुरू किया, उसके बाद में सर ने ये सेशन जो रखा वो बहुत अच्छा लगा. हाँ. सबको इस बात का फायदा होगा, इस बात से ही बहुत खुशी हो रही है मुझे. वेरी गुड, सही सही, बहुत अच्छा, थैंक यू स्नेहल जी. और सिर्फ आप अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में विमेन सिर्फ चैंटिंग नहीं करेंगे, चक्रा का जो चक्रा का चैंटिंग नहीं करते, जैसे आज हमने चैंटिंग नहीं किया था, ये आप मेडिटेशन बाद में भी उन्होंने पिनाकिन जी ने रिकॉर्ड किया कर सकते हैं. ये जो सेशन अभी मैंने अधूरा ही अटेंड किया, मेरे को देर हुई ना. हाँ फिर से मुझे करना हो तो वीडियो देख के मैं ये कर सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, रोज कर सकते हैं, करिएगा आराम से. टाइमिंग है या क्या है? नहीं कभी भी, सुबह सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और हाँ. ऐसे कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके मैडम, थैंक यू सो मच. थैंक यू पिनाकिन सर. वेलकम मैम. आप ऐसे मेडिटेशन करते रहिए मैम. हाँ सर. हाँ और आशा जी आप बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ जी. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था. कल वाला सेशन तो मैं भी नहीं ले पाई, शायद मैं जान नहीं पाई या कल एक्चुअली. हाँ हाँ कल एक्चुअली हमारे पिनाकिन जी के ग्रुप में नहीं था, और कहीं था. ओके 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 मैम. ओके तो आज लेकिन बहुत अच्छा लगा मैम. इसी तरह से हम चाहते हैं आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की चीजें हम लोग चुप रहे. बहुत अच्छा फील हुआ अंदर से, बट वही है कि अपने आप में हम नर्वस हो जाते हैं. मुझे मैम मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो मेरी नसों में फड़कन होती है ना, वो किस तरह से रोकने की कोशिश करूंगी? जबकि मैं मेडिटेशन सुबह और शाम कोशिश करती हूँ, मैं दोनों टाइम करती हूँ. कितनी देर मेडिटेशन करते हैं? करीब आधा घंटा 35 मिनट इस तरह से. हाँ हो जाएगा आशा जी, धीरे धीरे हो जाएगा. ये वाला मेडिटेशन भी आप करिए एक बार, कुछ दिन के लिए ये भी करते रहिए, और बाकी सांसों वाला नॉर्मल जो आधी घंटे का करते हैं वो भी करिए. धीरे धीरे हो जाएगा, कोई भी चीज होने में थोड़ा ठीक होने में समय लगता है, हो जाएगा. अफर्मेशन भी दीजिए कहा कि मेरा बिल्कुल ठीक हो रहा है, ये सब चीज ठीक हो गया है, मैं बिल्कुल स्वस्थ, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी लगेगा. धन्यवाद मैम, आपका साथ इसी तरह बना रहे हम लोगों के साथ में, और पिनाकिन जी का भी बहुत बहुत आभार है हम लोगों के साथ में, जो सबको इकट्ठा करके इस तरह से बहुत अच्छी चीजों की जानकारी मिलती है. काफी काफी बल मिलता है हमें, काफी ताकत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है. एकदम आशा जी. थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते. नमस्ते. नमस्ते वीना जी का. नमस्ते मैम. नमस्ते सर. मैम मैं ना जब करती हूँ ना मेडिटेशन, तो मुझे झटके आते हैं बहुत. कांग्रेचुलेशन होती हूँ. हाँ जी कांग्रेचुलेशन. अच्छी बात है झटके आना ध्यान में हमारे बड़े. हाँ हाँ आज तो कितने ही आए हैं मुझे झटके. मैं क्या मैम से पूछ ही लेती हूँ कि झटके आने हैं बहुत.
ये ध्यान का ही एक्सपीरियंस में होता है, हमें झटके आते हैं क्योंकि हमारा कभी वो फिजिकल बॉडी से हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो बाहर निकलता है, फिर वो एनर्जी इकट्ठा करके वो वापस शरीर में आता है, तो ऐसे झटके लगते हैं, तो ये अच्छा गुड साइन है, होता है मेडिटेशन में ऐसा, ठीक है ना। थैंक यू बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुबह भी करते हैं, शाम को भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, बस ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू हर्ष जी बोलिए। मैम आत्मबंधन मैम एक्चुअली जब से ये थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है ना, तो तब से मैम जैसे मेडिटेशन थोड़ी सी आधे घंटे की जैसे आप कराते हैं, तो बीच बीच में मैं ऐसा लगता है कि मैं नींद में चला जाता हूँ मुझे, फिर मैं बाद में लौट के आता हूँ जैसे। मैम वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो मैं बीच में जो सपने वगैरह आते हैं वो क्या थर्ड आई का है या वो मेरे एक्चुअल में नींद में चला जाना होता है, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ये मेडिटेशन में आपको लगता है कि सपने आ रहे हैं ऐसा, नींद में थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे कहीं जैसे कुछ आ जाता है विजन, फिर ऐसा लगता है थोड़ा सा बॉडी भी एक तरह से झुक जाती है जैसे नींद में चले जाना, इस टाइप से महसूस होता है, फिर वापस आ जाता हूँ कुछ सेकंड के लिए होता है जैसे। हाँ नहीं, वो हम नींद में नहीं जा रहे हैं हर्ष जी, आपको नींद में नहीं जा रहे हैं, हम कभी इतने वो डीप मेडिटेशन में उतर जाते हैं जिसमें हमको फिर वो शरीर का होश नहीं और ऐसा कुछ, क्योंकि नींद में जाएंगे आप खुद डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो नींद है या डीप मेडिटेशन है, क्योंकि नींद आता है तो हम कभी स्नोरिंग भी कर लेते हैं या वाकई में वो अलग ही सपने में, लेकिन जो हम इसमें मेडिटेशन में डीप में जाते हैं तो जब हम कहीं ना कहीं वो गाइडेंस सुन पा रहे हैं, वो म्यूजिक चल रहा है या कुछ कहा जा रहा है, और जब कहा जाता है कि अब हम लास्ट 5 मिनट या अब लौट आइए अपने शरीर में, खुद को फील करिए, हम वो सब कुछ अंदर से सुन पा रहे, महसूस कर पा रहे, सुन पा रहे होते हैं मैम जब आप कुछ गाइडेंस देते हैं तो सुन पा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ऐसा हो जाता है। हाँ तो वो मेडिटेशन में हमारा विजन आता है, कभी कभी हम दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट हो जाते हैं मोस्टली मेडिटेशन में, और कुछ वहां की चीजें दिखती है जो हमको थोड़ा बहुत वो विजन के रूप में याद रहता है, वैसा कुछ ग्लिम्स के रूप में याद रहता है, तो वो एक होता है। और फिर भी अगर कभी लगे और भी डाउट आए कि नहीं हम नींद में ही चले जाते हैं, तो फिर क्या करना है, आपको अपना जो बैठने का पोजिशन है कि हम उतने आराम से ना बैठें कि हम नींद में चले जा रहे हैं, बैक सपोर्ट ना लें, या फिर हम अपने उस तरीके से बैठने का पोजिशन चेंज कर सकते हैं, और फिर भी मुझे आपकी बात से ही समझ में आ रहा है कि वो नींद नहीं है, वो आपका मेडिटेशन में ही हम डीप चले जाते हैं, हमारा शरीर झुक जाता है, क्योंकि वो एनर्जी हमारे अंदर जो भरती जाती है तो उतना 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 शरीर मेरा हमारा हल्का होते जाता है, और बहुत बहुत लोग तो पूरा माथा नीचे गिरा देते हैं, आगे झुक जाते हैं, तो सबका अपना अपना बॉडी के लेवल पे, सोल के लेवल पे काम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी लगे कि नींद, तो अपने आप को मेडिटेशन से पहले ही बोल दें कि नहीं मैं नींद में नहीं जा रहा, मैं ध्यान की गहराई में जाऊंगा, मैं नींद में नहीं जाऊंगा, तो ये आप कह सकते हैं। और अपना अगर बहुत आराम से बैठ रहे हैं तो उस पोजिशन को चेंज कर लेंगे। okay. एक चीज और की जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे ग्लिम्सेस आते हैं विजन ड्यूरिंग द मेडिटेशन, तो मैम तब लगता है कि यार बहुत कुछ साफ साफ दिख रहा है, कुछ कुछ पोस्टर दिख रहा है, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन द मोमेंट आई कम आउट ऑफ दैट मेडिटेशन मुझे मतलब वो याद नहीं रहता, सिर्फ ये याद रहता है समथिंग आई मैंने देखा है, लेकिन वो याददाश्त नहीं रहती मैम उस चीज की, ऐसा क्यों है? हाँ होता है हर्ष जी, होता है कभी कभी, तो मैं भी जब शुरू में मेडिटेशन में बहुत बार बैठती हूँ तो लगता है जैसे कोई अपने टीवी में मूवी देख रहे हैं ना, उस तरीके से एक एक इतना क्लियर दिखता है, तो कभी कुछ याद रह जाता, हाँ मुश्किल हो जाता, नंबर्स दिखते हैं वो याद रखना या कुछ लिखा हुआ है वो याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अपने सामने पेपर पेन रखें, अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ध्यान से बाहर आने का कोशिश करें, अगर याद आता है तो उसे लिखिए, हो सकता है अगली बार कुछ और दिखे या जो भी, या फिर अपने आपको अगेन उसमें खुद को बोल सकते हैं अपनी आत्मा को कि मुझे जो भी दिख रहा है या तो मुझे उसका सही तरीके से क्लियर दिखे और दिखने का पर्पस मुझे पता चले, तो ये आपको खुद ही आपको संकल्प डाल के बैठना होगा,
फिर दिखता है, याद रहे तो रहे, ना रहे तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, उसमें हम नहीं अटकेंगे, नहीं फंसेंगे कि कुछ हमें याद रखना था, नहीं तो हम कहीं ना कहीं उन सब चीजों में उलझ जाएंगे। याद आता है लिख डालिए पेपर में, नहीं आता है कोई बात नहीं, अपने खुद को सोल को बोल दिया और क्या मैसेज है मुझे मिले, मुझे याद रहे और बाकी एकदम सरेंडर जो हो रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अजय। बोलिए पिनाकिन जी। हाँ मैं आपके सभी मेंबर ग्रुप मेंबर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आप सब हमारे मीटिंग में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। और मैम मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, श्वेता जी का जो रूप है वो स्वरूप है, वो डिवाइन स्वरूप है, एंजेलिक स्वरूप है, उनकी जो वाणी है वो अमृत वाणी है और उनका जो हो रहा है वो डिवाइन हो रहा है। उनके हिसाब से हमको बहुत बहुत हमको आशीर्वाद और फायदा हो रहा है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पिनाकिन जी, आपका बड़प्पन है ये। और आप ये बात जो अभी आप बोले कि आपके ग्रुप, बिल्कुल मेरा ग्रुप नहीं है, आपका भी ग्रुप है। पिनाकिन जी भी हमारे इनर जर्नी में हैं, हम सब एक ही हैं, हम सब एक स्पिरिचुअल फैमिली के हिस्से, हमारा ग्रुप तो है ना। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और श्वेता मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इतना समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल। थैंक यू एवरीवन। तो ठीक है फिर मैं लीव करूं। थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।